मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको माही चतुर्थी की कहानी, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, सुना रहे हैं। और जैसे कि हर चतुर्थी व्रत की कहानी के बाद या किसी भी कहानी के बाद बिंदाइक जी की कहानी सुनी जाती है, तो हम वह भी आपको बताएंगे। वैसे तो चतुर्थी व्रत पर चौथ की कहानी सुनने के बाद हम कोई भी बिंदाइक जी की कहानी सुनते हैं, लेकिन तिल चौथ की बिंदाइक जी की कहानी अलग होती है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं माही तिल चौथ व बिंदाइक जी की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करता, जीके से उनाके कोई संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी पूछी कि ये के करो हो। वह बोली कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी पूछी कि इससे के होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होवे। जद साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिल कुट्टो करूं और चौथ को व्रत करूं, वह नहाई रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जावे ते ढाई शेर को तिल कुट्टो करूं, उके लड़को भी हो वो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को विवाह हो जावे तो सवा मन को तिल कुट्टो करूं। बेटा को विवाह मन को बे लोग बरात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यह जब से नहाई है तब से तिल कुट्टा बोले है, अब तो बेटो भी ब्याहने चली गई तो भी एक भी तिल कुट्टो को नहीं करियो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावंगा तो आपा ने इन कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी ने तो बेटा तीन फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोड़ती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सारे हाहाकार मच गई, सारे बींद ने खोज लियो, खटे भी कोनी मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई, छोरियां गणगौर पूजने के लिए गई। पीपल के पास दुबलिया ने जाती, पीपल पर से बींद रोजीना एक छोरी ने बोल तो आई मेरी अदब्याहेड़ी। यह सुन सुन के छोरी सूकन पड़गी। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तने चोखो खुआऊ फिर भी तू क्यों सूकन पड़गी। जद छोरी बोली कि माँ जब दूब ल्याण जाऊं तो पीपल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना, रोजीना मैंने बोले कि आई मेरी अदब्याहेड़ी। माँ बैठे जाकर देखे तो उको जवाई ही बैठोड़ो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अदब्याही करके थे अठे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गेन पड़ियो हूँ, मेरी माँ तिलकुट्टो बोलियो थो जीको करियो कोनी, जीके से चौथ माता मैंने नाराज होकर उठा लियाई और अठे बैठा दियो। ऊ बखत वह बींद की माँ के पास गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं ढाई मन को तिलकुट्टो करूँ। छोरी की माँ भी ढाई मन को तिलकुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उके बेटा ने ल्याकर फेरा में बैठा दियो। बेटा के ब्याह होगो, पीछे बे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुट्टो करियो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता का व्रत करियो, तिलकुट्टा करियो। हे चौथ माता, उका बेटा बहु मिलाया जिसा सबको मिलाइयो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने मिलाइयो। इके बाद गणेश जी की कहानी खेवे। दो देवरानी जिठानी थी। देवरानी के धन थो, जिठानी गरीब थी। जिठानी गरीब जी की बहुत आराधना करया करती। वह आपकी देवरानी का चून पीसने जाती, जी के कपड़े से चून छानती, वो आपके घर लियाती और आपके धनी ने घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि माँ ताई आप तो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊजी ने घोल कर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत रवी जी और जिठानी ने बोली कि म्हारे से जावे जना चून छानने को कपड़ो धर के और हाथ धोकर जाया कर। वह बैया ही करी। घर आ गई तो धनी बोलियो कि चून घोल कर दे। जिठानी बोली कि आज बा चून छानने के कपड़ो रख लियो। जद उको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारने लाग्यो, वह गणेशी गणेशी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सोती है। वह बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छानन को कपड़ो ल्याकर मेरे धनी ने घोल कर पिलाती, आज वो कपड़ो राख लियो मैं पिला न को नहीं सकी, सो मेरो धनी मने मार्यो।
गणेश जी बोलिया कि मैं घर घर से तिलकुटो खाकर आया हूँ, निमटन की मन में है सो कट जाऊं। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे झट निमट ले वो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछो खट है। जद वह गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो, गणेश जी सिर के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठकर देखे तो सारो घर हीरा से जगमगा रहो है, सारो सिर भी जगमगावे है। धन बटोरने लागी तो देवरानी के जाने में देर होगी। देवरानी टावरा ने भेजी कि देख कर आओ, आज ताई आई क्यों कोनी। टावर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई के तो बहुत धन हो रहे है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कहिया होगो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनो सुन देवरानी घरा आई और आपके धनी ने बोली कि मने पाटा ही पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारो तो उके बहुत धन होगो। धनी बोलो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे, पर वह मानी कोनी। धनी खूब मारी, वह आपका सारो मकान खाली करके गणेश जी के नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कठे निमटू। जद वह बोली महाराज बीके तो छोटो सो मकान थो, मेरो तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा होवे जटे ही निमट लो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया, फिर पूछिया कि पूछो खटे। जद वह बोली कि आओ मेरा सिर के पूछ लियो। उके सिर के पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखे तो सारे कूड़ो सड़े है। जना देवरानी बोली कि हे महाराज थे मेरे से कपट करिया, जेठानी ने तो धन दियो मने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई वा धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो, मने तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन जिठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन दी, जद गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी ने दियो जिसो कोई ने मत दियो, जेठानी ने दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।